गुड मॉर्निंग टू ऑल। भारत के भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो भारत के औद्योगिक प्रदेश को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले जब हम औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं तो जो प्रदेश जो शब्द है जिसको रीजन कहते हैं उसको समझना आवश्यक होता है। प्रदेश वह क्षेत्र होता है जो अपनी एक या एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर अपने समीपस्थ क्षेत्रों से अलग होता है। जब हम यहाँ कहते हैं कि ये औद्योगिक प्रदेश है, इसका मतलब इस क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न औद्योगिक गतिविधियाँ हैं उनका यहाँ संचालन संकेंद्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके कारण इसको औद्योगिक प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। प्रादेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर इन औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। तो आज हमारा जो विषय है औद्योगिक प्रादेशीकरण व औद्योगिक प्रदेश, उसके अंदर हम इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत के जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे। यहाँ स्लाइड में हम सबसे पहले जो परिभाषा की बात हम करें उसको हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे। ऐसा क्षेत्र जहाँ उद्योगों की अनुकूल दशाओं के कारण उद्योगों का अधिक संकेंद्रण होता है, उस क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अब किसी भी औद्योगिक क्रिया गतिविधियों का संकेंद्रण किस कारण से होता है या उसका सीमांकन या क्या मापदंड है उसको हम देखें, इन पांच जो बिंदु हैं ये उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है, औद्योगिक कामगारों की संख्या, जो लेबर वहाँ पे काम कर रहा है उसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी हो सकते हैं और सामान्य जो लेबर होता है वो भी हो सकता है। औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऊर्जा की जो मात्रा है वो कितनी कंजप्शन है ऊर्जा का, उन चीज़ों का भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। साथ ही वहाँ पर संचालित विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के द्वारा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही विनिर्माण द्वारा मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके रूप में जो परिमार्जन कर रहे हैं उससे उसकी क्षमता में उसकी कीमत में कितनी वृद्धि होती है, इन सब चीज़ों को औद्योगिकीकरण के पहचान के लिए जो मापदंड होते हैं उसमें शामिल किया जाता है। भारत को औद्योगिक प्रदेशों के दृष्टिकोण से मुख्यतः 8 वृहद औद्योगिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद अन्य उप औद्योगिक प्रदेशों में भी वर्गीकृत किया गया है। जो 8 औद्योगिक प्रदेश हैं उनको अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सबसे पहले एक एक को हम यहाँ लेना चाहेंगे कि बॉम्बे औद्योगिक प्रदेश, बॉम्बे पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है वो यहाँ पे है। उसके बाद हुगली जो औद्योगिक प्रदेश है जिसका विस्तार पश्चिम बंगाल के अंदर है वो यहाँ पे है। तीसरा, बेंगलुरु और तमिलनाडु, इसको कई बार बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपके यहाँ पे है। और छोटा नागपुर का जो प्रदेश है जो कि आप खनिजों के दृष्टिकोण से भारत में सबसे महत्वपूर्ण है, खनिजों का अजायबगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम जो गुंटूर जो औद्योगिक प्रदेश है वो यहाँ पे है। और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये जो दिल्ली NCR वाला जो क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल जो रीजन है उसके अंदर जो औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही है वो यहाँ पर है। और कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जो केरल के अंदर औद्योगिक प्रदेश है। तो इस तरह से ये 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं जिनको भारत के अंदर वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ हम इन एक एक औद्योगिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो बॉम्बे पुणे औद्योगिक प्रदेश है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चाहे ब्रिटिश टाइम पीरियड से कहें या उससे पहले की भी हम बात करें तो जो बॉम्बे जो पोर्ट था और ब्रिटिश जो औपनिवेशिक जो शासन काल था उस समय भी जो बॉम्बे एक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। और ये या ये कहें कि जो 1774 में बम्बई को एक पोर्ट के रूप में स्थापित किया गया तो 1774 में ही ये औद्योगिक गतिविधियों का एक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। साथ ही जब स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ तो स्वेज कैनाल के निर्माण के साथ साथ इस औद्योगिक जो केंद्र है उसके विकास के अंदर जो 1869 1869 के अंदर जो स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ उसके बाद
जो बॉम्बे पुणे औद्योगिक प्रदेश था उसका विकास भी तेजी से हुआ। लेकिन इसके पृष्ठ प्रदेश की बात करें तो यह जो क्षेत्र है, जैसे हमने पढ़ा कि ये जो काली मृदा का क्षेत्र है जो सूती वस्त्र या कॉटन के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, वर्तमान में भी है, औपनिवेशिक टाइम के समय भी रहा। फिर उसके बाद जो बॉम्बे हाई बसीन जो ऑयल फील्ड्स हैं उनकी खोज होने के बाद इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी तेज़ी आई और यहाँ तेल के उत्पादन के बाद, साथ ही यहाँ एक चीज़ जब हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ खोज नहीं किए गए थे तब यहाँ पर कोयला इसके पृष्ठ प्रदेश में देखने को नहीं मिलता, लेकिन पश्चिमी घाट के नज़दीक होने के कारण और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो नदियाँ बहती हैं वहाँ पर जल विद्युत की जो संभावनाएँ थी वो काफ़ी अधिक थी, तो इस यहाँ औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये बॉम्बे पेट्रोलियम खोज के बाद यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ तेज हुई, उसमें पेट्रोल रसायन, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, इन चीज़ों का भी, साथ ही अन्य जो गौण जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं यहाँ पर, उसमें रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव आदि प्रमुख हैं। साथ ही क्योंकि यह है बॉम्बे वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है, बॉम्बे अपने आप में एक पोर्ट के रूप में प्रसिद्ध है, साथ ही ये रेलवे से, वायुयान से, सभी चीज़ों से पूर्णतः जुड़ा हुआ है, तो जिसने कि इस औद्योगिक केंद्र के विकास में अपना विशेष योगदान रहा। साथ ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र और बॉम्बे आयात और निर्यात के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, और यहाँ पर सस्ता व कुशल जो श्रमिक है वो भी प्रचुर मात्रा में है, इसलिए इस औद्योगिक केंद्र का विकास तेज़ी से हुआ। और वर्तमान में आपके जो फिल्म इंडस्ट्री है तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ का केंद्र रहा है, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, रसायन, औषधीय जो चीज़ें हैं उनका भी यहाँ पर काफ़ी संकेंद्रण देखने को मिलता है। दूसरा जो औद्योगिक केंद्र है वो है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। अभी इसका विकास जो है उसको अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जो औपनिवेशिक काल के अंदर, ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर जो कॉलोनी बनाई गई उसमें बॉम्बे के साथ साथ कोलकाता भी महत्वपूर्ण रहा। अब यहाँ कोलकाता के अंदर भी समुद्र तटीय स्थिति होने के साथ यहाँ पर जो कोलकाता बंदरगाह है उसके कारण इसका विकास तेज़ी से हुआ। आप देखें, हमने इसको देखें तो 1662 से 1694 में हुगली नदी पर पतन का निर्माण हो चुका था, यानी कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पर जो पोत था, जो बंदरगाह था, उसका निर्माण हो चुका था, इसलिए ये एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। साथ ही इसके पृष्ठ प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर जूट का जो उत्पादन है, पटसन का जो उत्पादन है, काफ़ी अधिक होता है, और आधुनिक उद्योग 1855 में रिसरा में जो जूट की पहली मिल की स्थापना की गई वो भी यहीं पे की गई, जिसने यहाँ पटसन या जूट उद्योग को काफ़ी अधिक प्रोत्साहित किया। साथ ही यहाँ पर छोटे औद्योगिक प्रदेश भी हैं जिसमें हल्दिया, कोलकाता, श्रीरामपुरा, रिसरा, शिवपुरी, नेहाटी, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, और इस औद्योगिक प्रदेश की कोलकाता हुगली जो औद्योगिक प्रदेश के समीप ही जो छोटो नागपुर का जो औद्योगिक प्रदेश है, जो जहाँ पर भारत के अधिकांश जो खनिज हैं वहाँ देखने को मिलते हैं, उसने भी यहाँ के औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही समीप के अंदर दामोदर घाटी जो परियोजना है उसने जल विद्युत की आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, साथ ही बिहार उड़ीसा के अंदर जो ट्राइब्स हैं, सस्ता जो लेबर है उसकी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही यहाँ ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर आप 1773 से 1912 तक भारत की प्रथम राजधानी कोलकाता रही, 1911 में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया, तो एक तरह से कहीं कहीं ये प्रशासनिक, औद्योगिक या बैंकिंग सेक्टर का, मल्टीनेशनल कंपनीज का एक केंद्र ये रहा, तो वो भी इसके विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही यहाँ पर बिहार, यूपी से लेबर माइग्रेट होकर यहाँ आसानी से उपलब्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ कागज, इंजीनियरिंग, विद्युत, रसायन, दवा, उर्वरक, पेट्रोल रसायन काफ़ी हैं। कोलकाता एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट भी है, पतन भी है और यहाँ रेलवे मार्ग से भी ये जुड़ा हुआ है, और तो ये यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे, मैंने जैसे मैंने चर्चा की, ये हल्दिया, श्रीरामपुर, इसरा, शिवपुर, नेहाटी,
ये औद्योगिक केंद्र भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो औद्योगिक प्रदेश है वो है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। गुजरात औद्योगिक जो प्रदेश है 19वीं सदी में ये सूती वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। उसके बाद यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो खंबात की खाड़ी के अंदर मिले, साथ ही जामनगर के अंदर निजी क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है, तो ये ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका एक संकेंद्रण हो गया, एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया। तो सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ पेट्रोलियम और उसके ऊपर आधारित जो औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं उनका विस्तार यहाँ गुजरात के अंदर ज़्यादा देखने को मिला। जब भारत का विभाजन हुआ, कराची जो पतन था वो पाकिस्तान में चला गया, फिर कांडला पतन का हमने विकास किया, उसने भी औद्योगिक गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोयली, जामनगर में पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, इसके कारण यहाँ पर रसायन व अन्य जो प्लास्टिक रंग रोगन का औद्योगिक गतिविधियों का भी विकास हुआ। इसका जो केंद्र था अहमदाबाद से वडोदरा तक है, जिसमें भरूच, कोयली, आणंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वलसाड़, सूरत, राजकोट और इन औद्योगिक जो केंद्र की चर्चा मैंने जो राज्यों का जो वीडियो मैंने आपके साथ गुजरात का शेयर किया उसमें यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों की जो औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था। कपास की उपलब्धता बॉम्बे से अधिक सस्ते मूल्य पर भूमि मिल जाती है। यहाँ पर बॉम्बे में जो लैंड है उसकी कीमत ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं औद्योगिक गतिविधियाँ इधर गुजरात का जो औद्योगिक केंद्र है उधर की तरफ शिफ्ट कर गई। गंगा सतलज के मैदान में बाजार की सुविधा जो उपलब्धता है वो समीप है, उसने भी यहाँ की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। कांडला, बम्बई बंदरगाहों से आयात निर्यात की सुविधा है और यहाँ परिवहन की पर्याप्त सुविधा है क्योंकि यह क्षेत्र रेल और सड़क दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश की हम बात करें तो ये औद्योगिक प्रदेश एक तरह से जहाँ कपास के साथ इसमें इसको प्रोत्साहन मिला, यहाँ पर जो कॉटन की जो कृषि के लिए जो आर्द्रता है, जलवायु की जो अनुकूलता है अधिक होने के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी ज़्यादा होता है। लेकिन समय के साथ साथ ये जो बेंगलुरु है एक सॉफ्टवेयर कैपिटल के रूप में विकसित हुआ। आज भारत का जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो हो रही है, सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा केंद्र जो है बेंगलुरु उभर के सामने आया है। और यहाँ पर इसी कारण से बहुत सारी जो औद्योगिक जो गतिविधियाँ संचालित की जा रही है, जिसमें प्रमुख जो औद्योगिक हम बात करें तो हिंदुस्तान वायुयान निर्माण यहाँ पे है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो HMT का जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उद्योग है यहाँ पे स्थापित हैं और कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसके आसपास गन्ना व कपास की काफ़ी खेती की जाती है और यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक केंद्रीकरण होने के कारण क्या मैं ये कहूँ यहाँ पर 200 मिलें हैं जहाँ पर काम संचालित की जा रही हैं, इसीलिए इसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना भी कोयम्बटूर में की गई है, साथ ही यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग, रेल के डिब्बे, डीजल, रेडियो, हल्के भारी इंजीनियरिंग उद्योग, ये सब चीज़ें बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश में देखने को मिलती है। छोटा नागपुर जो औद्योगिक केंद्र है इसके विकास के अंदर जैसे हमने बार बार कहा कि ये भारत का खनिजों के दृष्टिकोण से एक अजायब घर है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर लौह अयस्क खनिजों की अत्यधिक उपलब्धता के कारण इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। तो ये इससे अंदाज़ा लगा सकता है लौह अयस्क, कोयला यहाँ पे काफ़ी अधिक है, जमशेदपुर, बनपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला में लौह इस्पात के 5 बड़े एकीकृत कारखाने इसी प्रदेश में स्थित हैं। साथ ही भारी मशीन उपकरण, सीमेंट, कागज़, रेल के इंजन, बिजली का भारी सामान, ये सब चीज़ें जिसमें रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो यहाँ पर प्रमुख जो लौह इस्पात हो या कोयला आधारित जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं उनका संचालन किया जा रहा है। इसके विकास के अंदर जैसे झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरडी में कोयला ऊर्जा यानी थर्मल ऊर्जा की यहाँ पर पनबिजली जो दुर्गा उसकी उपलब्धता यहाँ पर काफ़ी है, साथ ही यहाँ पे उच्च क्वालिटी का लोहा मिलता है झारखंड और उड़ीसा में। कागज़ उद्योग के लिए छोटा नागपुर पठार में घास तथा बांस के वन काफ़ी अधिक मात्रा में हैं, तो और यहाँ ट्राइबल एरिया होने के कारण यहाँ लेबर काफ़ी सस्ती आपको मिल जाती है। रेल मार्गों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, कोलकाता बंदरगाह इससे नज़दीक ही पड़ता है, इसके कारण इस औद्योगिक केंद्र का विकास तेजी से हुआ। अब जो विशाखापट्टनम जो गुंटूर जो औद्योगिक प्रदेश है उसके ऊपर अगर हम बात करें
तो इस औद्योगिक विकास का जो पृष्ठ प्रदेश में जो खनिजों की बहुतायत है, जिसमें कोयला, कृषि क्षेत्र के कारण भी यहाँ कृषिगत आगतें और जो उत्पादन होता है, पोर्ट की सुविधा, विशाखापट्टनम, मछिलापट्टनम जैसे पतनों की जहाँ पे सस्ते श्रमिक बाजार की उपस्थिति है, तो यहाँ कच्चे तेल का आयात कर वहाँ पे रिफाइनरीज स्थापित की गई है। उन्होंने भी यहाँ पर विशाखापट्टनम में 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना भी की गई, और यहाँ पर लौह विशाखापट्टनम में लौह इस्पात उद्योग की भी स्थापना की गई है। इस तरह से यहाँ अन्य औद्योगिक केंद्रों की बात करें तो विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गुंटूर, एलुरु, कुरनूल, ये चीज़ें हैं। साथ ही चीनी, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम जो कारखाने हैं वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक जो प्रदेश है, जिसे मैंने कहा कि NCR के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर इनको शामिल किया जाता है, और ये जो केंद्र है इसके अंदर जो विद्युत की आपूर्ति की बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना से बात करें, फरीदाबाद से इसको थर्मल पावर एनर्जी यहाँ मिल जाती है। यहाँ खनिज और ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता नहीं है, इसके कारण यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो कम देखने को मिलती है, लेकिन छोटे व क्लस्टर जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी देखने को मिलती है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी के जो राज्यों से चमड़े की प्राप्ति से आगरा मथुरा में चमड़ा उद्योग, हजीरा विजयपुर जमशेदपुर पाइपलाइन से मथुरा रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति होने से, या पेट्रो रसायन या उससे संबंधित जितने भी जो सीमेंट इंडस्ट्री है और पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फिर यहाँ पर सूत की ये बड़ा बाजार है, इस कारण से यहाँ पर जो सूती उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग, होजरी का जो काम जो पंजाब के अंदर किया जाता है, साथ ही एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उपकरण होते हैं, वनस्पति, खाद्य प्रसंस्करण, ट्रैक्टर, साइकिल, इनकी बात भी मैंने पंजाब के अंदर जब मैंने राज्य की बात की थी तो विभिन्न औद्योगिक जो गतिविधियाँ वहाँ संचालित की जा रही थी उसके बारे में आपको मैंने बताया था। गुड़गांव में कार फैक्ट्री है, IDPL की इकाई भी है, फरीदाबाद में इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जो स्थापनाएं यहाँ पे की गई हैं, इसलिए गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा, मथुरा यहाँ के प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र हैं उसके रूप में जाने जाते हैं। कोल्लम और तिरुवनंतपुरम की बात करें, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उद्योगों का विकास हुआ है तो उसके अंदर यहाँ जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसका, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं या कार्डोमम जो हिल्स हैं वहाँ पर इस तरह का प्लांटेशन अधिक होने के कारण यहाँ पर जो बागाती कृषि का अधिक संकेंद्रण देखने को मिला। साथ ही कोयला क्षेत्र दूर होने के कारण यहाँ पर हाइडल एनर्जी की संभावना है, और यहाँ कोयला, लोहिया, इनकी अनुपस्थिति के कारण भारी उद्योगों की स्थापना यहाँ नहीं हो पाई। लेकिन कोची में पटेल रिफाइनरी है जिसके कारण पेट्रोल रसायन उससे संबंधित जो विकास है उनका हुआ है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवा, अरनाकुल्लम, कोची, अलपुंजा, पूर्णापुर आदि में प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। मैंने केरल राज्य की जब बात की थी तो यहाँ पर विभिन्न जो औद्योगिक गतिविधियाँ जो की जा रही हैं उसका भी मैंने वर्णन किया था। साथ ही रासायनिक उर्वरक, मछली आधारित उद्योग यहाँ काफ़ी हैं, खाद्य प्रसंस्करण, कागज, नारियल के रेशे का उत्पादन, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हैं। इन औद्योगिक प्रदेशों की जब हमने बात की तो हमारे यहाँ पर इन 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेशों के अतिरिक्त भारत में 13 गौण औद्योगिक प्रदेश, 15 औद्योगिक जिले भी हैं। उनकी अगर हम बात करें तो 13 जो गौण औद्योगिक प्रदेश हैं उसमें अम्बाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फर, बिजनौर, तो यहाँ हमने बताया अम्बाला, अमृतसर पंजाब, सहारनपुर, मुजफ्फर, बिजनौर यूपी में, इंदौर, देवास, उज्जैन मध्य प्रदेश में, जयपुर, अलवर, राजस्थान में, कोल्हापुर, तो ये लघु औद्योगिक प्रदेश हैं जो कि भारत के अंदर जो 13 लघु और औद्योगिक जिलों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 15 औद्योगिक जिले हैं, कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर और बरेली। तो ये यहाँ हमें उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे से इन औद्योगिक प्रदेशों का जुड़ाव स्थापित करने के लिए भारत में औद्योगिक गलियारों का भी निर्माण किया गया है, और इन औद्योगिक गलियारों की अगर हम बात करें तो दिल्ली बम्बई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे हैं। साथ ही भारत में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक नीतियों की भी के माध्यम से इसको प्रोत्साहित किया गया। भारत में सबसे पहले 1948 की औद्योगिक नीति को लाया गया, उसके जो मुख्य जो बिंदु थे उसमें केंद्र सरकार का विशिष्ट अधिकार रहा, नई इकाइयों के लिए राज्य का एकाधिकार,
राज्य विनियमन, अविनियोजित निजी उद्यम, इनके बारे में यहाँ चर्चा की गई। फिर 1956 की औद्योगिक नीति आई, फिर 1977 की औद्योगिक नीति आई। 1977 की औद्योगिक नीति के अंदर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया, बड़े उद्योगों का विस्तार किया गया, बड़े औद्योगिक ग्रहणों के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन भी किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व अधिक दिया गया, विदेशी सहयोग के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें लचीला दृष्टिकोण लाया गया, रुग्ण इकाइयों के प्रति के जो दृष्टिकोण थे उनको पुनः पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। फिर 1980 की औद्योगिक नीति आई, फिर औद्योगिक नीति में जो सबसे जो बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला वो देखने को मिला 1991 की जो औद्योगिक जो नीति थी उसके अंदर हमें एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें हमने हमारी जो औद्योगिक जो गतिविधियाँ संचालित कर रहे थे उसको हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए खोल दिया, जिसमें हमने LPG की जो अवधारणा थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसके माध्यम से विदेश की जो औद्योगिक इकाइयाँ थी, मल्टीनेशनल जो कंपनीज थी, उन्होंने भारत के अंदर अपनी औद्योगिक स्थापनाएँ की। उसके कारण यहाँ एक प्रतिस्पर्धा का माहौल स्थापित हुआ, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, साथ ही मल्टीनेशनल जो फाइनेंशियल कंपनियाँ थी वो भी यहाँ पर स्थापित हुई, जिसके कारण भारत की जो औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा था उसकी गुणवत्ता के अंदर तेजी से सुधार हुआ, और उस गुणवत्ता में सुधार के कारण भारतीय जो औद्योगिक गतिविधियों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा था, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड थे उनके आधार पर उत्पादन कर हमारी जो उपस्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बढ़ी, तो ये सब चीज़ें। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आए, छोटे जो औद्योगिक ये थी वो समाप्त भी हुई, लघु और कुटीर उद्योगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और बदल इस अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों से जुड़ने के कारण, इस LPG के कारण जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो बाजार में परिवर्तन होता है, जैसे 2008 के अंदर रिसेशन की स्थितियां पैदा हुई, तो उसका प्रभाव नकारात्मक यहाँ की औद्योगिक गतिविधियों के ऊपर भी पड़ा। लेकिन आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय उदारीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से दूर नहीं हो सकते, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, इसलिए इसके माध्यम से जो नई चीज़ें हुई इन नई औद्योगिक नीतियों के माध्यम से आज भारत औद्योगिक दृष्टिकोण से अपना विश्व के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखता है। धन्यवाद।